यूपी में कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस का सच बताने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस स्वतंत्रता के दौरान आरएसएस की भूमिका बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी से बात की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। 2022 के चुनाव के लिए तमाम पार्टियां इस समय अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब गांव-गांव पहुंच रही है। तमाम कार्यक्रम अभी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने किए और अब प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी और आरएसएस की पोल खोलने का भी अभियान शुरू किया गया। हमारे साथ रोहित चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। सर, अगर हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों की बात करें तो तमाम इस समय नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि 22 में एक अच्छा यहाँ पे आप लोगों का जो सीट है वो निकल सके। ये जो प्रशिक्षण शिविर है, क्या है ये, किस तरीके से आप इसमें प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर हमारा अभियान शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और आने वाले 10 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला कमेटियां, ब्लॉक अध्यक्ष और न्याय पंचायत के अध्यक्ष हमारे ट्रेन हो जाएंगे और उस प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु जो हैं उसमें बूथ मैनेजमेंट, हमारी कांग्रेस की विचारधारा, किसने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ा, किसने उत्तर प्रदेश को बनाया और ऐसे तमाम बिंदुओं पे हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें आने वाले समय में बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन और चुनाव की रणनीति और चुनाव को किस प्रकार से लड़ा जाए वो तमाम ट्रेनिंग उसके अंदर है। सर, बीजेपी की बात तो समझ सकते हैं, बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को लेकर के आप लोग पोल खोलने का अभियान चला रहे हैं, वो क्या है? देखिए, आरएसएस ही उनकी माँ है एक तरह से बीजेपी की और आरएसएस ही उनको गाइड करती है, चलाती है। तो आरएसएस की भी जो आज़ादी के समय से लेके और आज तक की जो भूमिका इस हिंदुस्तान में रही आरएसएस की, उसको भी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाया जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने झंडा नहीं फहराया, किस प्रकार से हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने गद्दारी की, तमाम चीज़ें हमारे उस ट्रेनिंग के पार्ट में है और हमारे कार्यकर्ता को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये झूठी एक अलग प्रकार की जो बातें आरएसएस और बीजेपी ने लोगों के बीच में फैला दी है, हमारे आज़ादी के हमारे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको लेके, तो तमाम चीज़ों को लेके उसमें सच्चाई क्या है वो बताई जा रही है और उनके जो सच्चा चेहरा है आरएसएस बीजेपी का उसको उजागर किया जा रहा है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रशिक्षण चला रही है, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, कोशिश यही है कि जो पूर्वांचल में पिछले कुछ साल पहले तक जनाधार काफी कम हुआ था उसको और बढ़ाया जाए। वाराणसी में इन दिनों डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि मंडलीय अस्पताल की इमरजेंसी में बना 9 बेड का डेंगू वार्ड फुल हो गया है। सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। वाराणसी में इस समय डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वायरल बुखार के मरीज भी लगातार अस्पतालों में एडमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम वाराणसी के मंडलीय अस्पताल के डेंगू वार्ड में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है, हर एक बेड पर डेंगू का मरीज दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अगर बात की जाए, बाढ़ के बाद डेंगू का कहर जिस तरीके से माना गया था वो फिर से एक बार नज़र आ रहा है कि किस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इसका दो कारण है। पहला तो ये कि किस तरीके से लोग अपने घरों में जो पानी है वह इकट्ठा कर रहे हैं छतों पर, जिसके कारण डेंगू के मच्छर वहाँ पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम जो कीटनाशक छिड़काव की बात करता है वो ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से हो नहीं रहा है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल बात की जाए वाराणसी के सरकारी अस्पतालों की, तो यहाँ की स्थिति यह है कि बेड अब फुल हो गए हैं। डेंगू का एक वार्ड फुल हो गया है, दूसरा वार्ड डेंगू का बनाया गया है। खुद यहाँ के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि डेंगू के मच्छर न पनप सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।